लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। आज रानीबड़ा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित हुआ रानीबड़ा सिटी के अंदर। हमारे साथ में जालोर भाजपा के मुखिया है श्रवण सिंह जी राव। राव साहब, किस तरह से तैयारियां पार्टी की ओर से की जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर? जैसे आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन कैडर बेस्ड पार्टी है। आज दुनिया की सबसे बड़ी अगर किसी के पास संगठन है और कैडर है, एक सिस्टम है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारी माइक्रो मैनेजमेंट से प्लानिंग होती है। उस कड़ी में आज हमारे जो रानीवाड़ा विधानसभा के कार्यकर्ता है, जिसमें बूथ अध्यक्ष से ऊपर की पूरी टीम, उनकी एक बैठक रखी गई है, पार्टी संगठन की बैठक है, और इसके अंदर आगामी कार्यक्रमों की चर्चा हम कर रहे हैं। तो एक आगाज किया है और बहुत सुंदर हुआ है और संगठन पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा। सामने अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से चुनौती देखते हो? ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ है कि वैभव गहलोत आ गया। अशोक गहलोत के लड़के वैभव गहलोत को हराने में हमें बहुत आनंद आएगा, क्योंकि जोधपुर में हमने पिछली बार उनको बहुत अच्छी तरह हराया, इस बार उनको ऐसा हराएंगे कि वो राजनीति में शायद चुनाव लड़ना बंद कर देंगे। पिछली बार जालोर शुरू संसदीय सीट में एक सीट ही कांग्रेस के पास थी, इस बार 3 सीट कांग्रेस के पास में है। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार मजबूत दिख रही है, तो उसको आप किस तरह से चुनाव के अंदर अच्छा कैंपेन करके किस तरह से जीत में उसको तब्दील करोगे? देखिए, जो विधानसभा के अंदर जो समीकरण थे वो अलग थे। वहां पे हमारे जो सिटिंग विधायक थे उनके एंटी इनकम्बेंसी थी, छोटा बड़ा मार्जिन रहा, फर्क रहा है, तो उसको और लोकसभा के चुनाव को मिला नहीं सकते हैं। लोकसभा चुनाव देश के लिए लोग वोट करेंगे, मोदी जी के लिए करेंगे, और पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता विधानसभा से ज्यादा ताकत से इसमें लगने वाला है। तो जीत विक्रमजनक होगी, एक रिकॉर्ड तोड़ जालोर सिरे में जीत होने जा रही है। वैभव गहलोत और अशोक गहलोत जहां पर भी जाते हैं एक बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे 20 साल से सांसद है, काम जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो जनता में आक्रोश है, ये बात अशोक गहलोत कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने क्या किया वो भी कोई बताया ना? जालोर सिरोही के अंदर, जालोर के अंदर पूरे राजस्थान नहीं, मैं तो दावा करता हूँ पूरे भारत के सबसे ज्यादा सड़कें हैं। कौन जवाबदार है? नर्मदा नहर का पानी आज दिन तक नहीं पहुंचा, कौन जवाबदार है? पानी की व्यवस्था आज दिन तक नहीं, कौन जवाबदार है? बीमा का, किसानों का सेटलमेंट का बीमा नहीं भरा, कौन जवाबदार है? जल दल, घर से नल देने की योजना पूरा राजस्थान में सबसे अंतिम 5 में जालोर है, कौन जवाबदार है? अशोक गहलोत जी को वोट के लिए जालोर याद आया, बाकी उनकी सूची में जालोर था ही नहीं। वो क्या हमारे यहाँ के भाषण देंगे? आप भी सांसद का टिकट मांग रहे थे, आपको टिकट नहीं मिला, लोमा राम जी को टिकट मिला है, क्या कहोगे? नहीं, वैसे मैं टिकट मांग रहा था ये कोई पब्लिकली बात नहीं है। पार्टी में कार्यकर्ता होता है, सबको लगता है कि भाई हमें पार्टी को मौका देवे। हमारे मन में न तो कोई टिकट मांगने की होड़ थी, नहीं हम इस तरीके से टिकट मांगते हैं, न हम आगे मांगेंगे। ठीक है, पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का परिवार इतना बड़ा है कि उसके अंदर योग्य हजारों लोग हैं, उसमें से पार्टी ने जिसने भी चयन किया वो हमारा भाई है, हम ही है, हमको अलग नहीं मानते, हम उसी ताकत से उनके साथ खड़े हैं। टिकट मांगना नहीं मांगना ये बातें सब टिकट के बाद में खत्म हो जाती है, जो आ गया वो हमारा। सुखराम विष्णु ने सुबह एक इंटरव्यू में कहा है कि देवजी पटेल का टिकट कटा, मुझे दुख हुआ है। अब सुखराम जी विष्णु का खुद का दुख है वो देख लो, देव जी का क्यों करते है, बोले आपकी क्या दिशा वो देख लो। ये तो राजनीति में खाली ऐसे ही है। ओरिजिनल बात ये है कि देश के लोग समझदार है, मतदाता समझदार है, वो मोदी जी के काम को देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देख रहा है, हमारा परिश्रम देख रहा है, हमारे राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, सामान्य व्यवस्था के प्रति, यहाँ तक के जलवायु के प्रति, प्रकृति के प्रति, पशु पक्षी के प्रति, जो भारतीय जनता पार्टी जो विचार लेके चल रही है वो देश का आम नागरिक देख रहा है, और वो 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने को तैयार है, वोट देने को तैयार है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी जालोर के मुखिया श्रवण सिंह राव, जो मीडिया से रूबरू हुए, कई सवालों के जवाब बेबाक तरीके से दिए। सहयोगी रिजव पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीगढ़।